चार मैचेस पाकिस्तान के अंदर हुए, एशिया कप पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान की जीत आप समझते हैं इसको? मैं इसको पाकिस्तान की पूरी तरह से जीत तो नहीं समझता। अब इतने थ्रेट्स देने के बाद और इतने मतलब बातें करने के बाद आप एंड में यू अग्री टू फोर मैचेस इन पाकिस्तान एंड देन यू द प्रेस द वीडियो मैसेज दैट यू गिव यू आर अप्रिशिएटिंग जय शाह एफर्ट्स इन कीपिंग द एशियन क्रिकेट काउंसिल टुगेदर। कौन से एफर्ट्स भाई, मतलब ये क्या दोगलापन है, मतलब मुझे कोई समझा दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यार। हम तो होस्ट करना चाहते थे भारत को, लेकिन भारत की हुकूमत की इजाजत मिलना जो है उसे बीसीसीआई के लिए मुमकिन नहीं था। साथ में जय शाह साहब का शुक्रिया भी अदा किया उनका, एक और जिसको कहते हैं ना एक और एशिया कप का था कि बाकी मैचेस पाकिस्तान के अंदर सारे होने चाहिए बगैर इंडिया के, वो नहीं हुआ। वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की थोड़ी यहाँ पे डिफीट है कि पाकिस्तान को बाकी मैचेस करने चाहिए यार। बलीज भाई वो फिर वो शेड्यूल का भी बड़ा मसला है ना। ये एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर फिर मेरा सवाल से भी आता है कि क्यों इतना शोर मचाया गया, क्यों मतलब ये बड़ी बड़ी बातें की गई कि जी अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया खेलने के लिए एशिया कप, तो फिर हम भी इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए वर्ल्ड कप, और फिर कैसे बोलते हैं हम एशियन, और अगर पूरा एशिया कप शिफ्ट किया गया पाकिस्तान से तो हम जो है एशिया कप से विड्रॉ कर जाएंगे, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल से विड्रॉ कर जाएंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप के मैचेस फिर जो है अपने न्यूट्रल, और अगर फिर हाइब्रिड मॉडल जब का ये पेश किया गया कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की जी चार मैचेस पाकिस्तान के हो, तो उस वक्त भी नजम सेठी साहब ने कहा कि जी ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये वर्ल्ड कप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा। मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, अच्छा होता कि पाकिस्तान का मैच तगड़ी टीम से होता, लेकिन ग्रुप ऐसे बने हुए हैं चार मैच अंदर, फिर श्रीलंका चली जाएगी वहां पे बाकी मैचेस होंगे, सो इट्स अ गुड साइन कि क्रिकेट होने लगी। जय हिंद दोस्तों, जो बीसीसीआई चाहता था और जो इंडिया के लोग चाहते थे फाइनली वो हो गया, और भिखारिस्तान को पीसीबी को बीसीसीआई और एसीसी ने एक छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि नेपाल वर्सेस पाकिस्तान और फलाना वर्सेस फलाना के चार मैचेस एशिया कप के साथ 13 मैचेस है, जिनमें से चार मैचेस पाकिस्तान में कंडक्ट होंगे और बचे हुए 9 मैचेस होंगे श्रीलंका में। तो भाई इसमें जीत किसकी हुई ये बता दो, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान के मैच हो जाएगा, नेपाल वर्सेस श्रीलंका के मैच हो जाएगा, यानी नेपाल वर्सेस फलाना के मैच हो जाएगा पाकिस्तान में, और जो इंडिया के मैचेज है जो मेन पाकिस्तान के मैचेज है वो मैचेज तो श्रीलंका में होने वाली है, तो जीत किसकी हुई इसमें भी? मतलब 9 मैचेस श्रीलंका में हो रहे, 4 मैचेस इनको मिले नेपाल वर्सेस फलाना के, और भी टीम होंगी मान लो 4 मैचेस में, तो उसमें इतने छोड़े होने की बीसीसीआई को मात दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, बेटा कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, उल्टा तुम्हारी हार इतनी गंदी तरीके से हुई है कि अब तुम इंडिया में आओगे, इंडिया में आने के बाद तुम्हें मैचेस वहां खेलने पड़ेंगे जहां इंडिया चाहेगी, जहां आईसीसी चाहेगी, जहां बीसीसीआई चाहेगी। उल्टा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा, ठीक है, इंडिया तो तुम्हारे इधर कदम भी नहीं रख रहा, हाइब्रिड मॉडल क्या मान लिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरी हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने कहा हुआ कि वर्ल्ड कप खेलने हम नहीं जाएंगे, जैसे ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हामी भरी वैसे ही एशिया कप को मंजूरी मिली। आप माने ना माने, बेशक व्यूअर्स माने ना माने, लेकिन बीसीसीआई यहाँ पे प्रेशर में जरूर आया है। ये जो बात इन्होंने मानी है ना हाइब्रिड मॉडल वाली, पहले ये लोग अपनी अकड़ में इस चीज को नहीं मान रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना अपने हाइब्रिड मॉडल को मनवाने के लिए उनकी सारी बातें मान ली, अहमदाबाद में मैच भी खेल रहे जो कि पहले कहा था कि हम बिल्कुल अहमदाबाद के अंदर मैच नहीं खेलेंगे, इंडिया भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने जो कि पहले कह रहे थे कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, ये सारी दो बातें मेन होगी ना। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जिसको कहते हैं ना आईसीसी के इवेंट को हम नहीं छोड़ सकते, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो था ही कि फाइनल पाकिस्तान थोड़ा बहुत चाहता था कि सुपर फोर के एक आधा मैच पाकिस्तान के अंदर हो जाए, लेकिन अब वो भी नहीं होगा, मतलब के चार मैचेस ही होंगे, तो काफी सारी चीजें पाकिस्तान ने अपने पीछे हटाए। लेकिन इसमें एक आप देखें, एट लीस्ट एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, और ये मैं बताऊं कब से हुआ है, जब आईपीएल के फाइनल के बाद जब न्यूज आई थी आईपीएल के फाइनल के दौरान में कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो एशिया कप करवा लो, या तो एशिया कप का हिस्सा बन जाओ न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, या तो जिसको कहते हैं ना एशिया कप से विड्रॉ कर लो और बाकी बोर्ड बीसीसीआई के साथ हो गया। जब से ये न्यूज आई थी तब से मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ना मतलब कि ना बैकडोर पे रास्ते हुए हैं, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए माना है, हाइब्रिड अहमदाबाद में मैच खेलने के लिए माना है, तो बीसीसीआई जिसको कहते हैं ना बीसीसीआई का डोला क्या था, बीसीसीआई का हाइब्रिड मॉडल को नामंजूर करने का एक ही डोला था, वो कहते थे कि अगर हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया तो पाकिस्तान ने कहना है वर्ल्ड कप में भी हमारे मैचेस बांग्लादेश में करवाओ, जो पाकिस्तान ने कह दिया हुआ था, उनका मेन रोला ही ये था। जैसे ही उनको पीसीबी ने तसल्ली दी कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे, जो कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान जाए, नहीं हम तो भाई शुरू ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि पीसीबी पहले नहीं कह रहा था, ये पीसीबी कह रहा था कि हम जिसको कहते हैं ना अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे,
अभी आपने पिछले हफ्ते नोट किया हो कि शहबाज शरीफ साहब से रابطہ किया है नजम सेठी साहब ने, उन्होंने अभी से जिसे कहते हैं ना अभी चार महीने पड़े अभी से हमसे कह दिया कि हमें जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए अहमदाबाद में मैच खेलने के लिए और वहां पे खेलने के लिए। भाई ये मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट क्लियरेंस वगैरह ये सारे बहानेबाजी होती है, ये बोर्ड का अपना काम होता है, अपना मसला होता है कि उन्होंने जाना कि नहीं जाना, ये एक फॉर्मेलिटी होती है एक छोटी सी कि भाई गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए, तो ये एक बहाना है। और इंडिया का मैं बताऊं आपको ये एक बहुत अच्छा हो गया है कि कम से कम चार मैचेस यहाँ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एशिया का पाकिस्तान में हो सकता है, ठीक है। इंडिया अपने मसलों की वजह से नहीं आया, इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं आ रहा, तो ये इसका एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया पाकिस्तान को, एटलीस्ट उनका जो था ना कि यार नहीं इनका सिक्योरिटी इशू है, तो ये भी हो गया। दूसरा मसला इनका ये कि कम अज कम चले चार मैचेस तो पाकिस्तान में हो गए, चार मैचेस हो गए, ये बीसीसीआई में ईगो प्रॉब्लम तो है। अब मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान ये एशिया कप जीते, पाकिस्तान चैंपियन टीम बने, जब चैंपियन टीम बनेगी ना तो पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना टाइटल एक बड़ा जरूरी चीज होती है, ट्रॉफी मैटर करती है। रोहित शर्मा की अगर आप देखें तो पिछले दो साल के अंदर तीन टूर्नामेंट उसने खेले हैं, एशिया कप खेला है, T20 वर्ल्ड कप खेला है और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, तीन टूर्नामेंट वो हारा है। बाबर आजम एज अ कैप्टन तीन टूर्नामेंट अभी तक हार चुका हुआ है, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल नहीं। अगर आप इस लिहाज से देख रहे हैं ना तो हमारी जो टीम है ना वो इंडिया से कुछ बेहतर परफॉर्म करके आगे आई है, लेकिन बात ये कि ट्रॉफी मैटर करती है, ट्रॉफी मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में नहीं जाते, टीम परफॉर्मेंस में जाते हैं, ट्रॉफी लेकर आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान ट्रॉफी लाजमी जीते, पाकिस्तान ट्रॉफी जीतेगा पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। मैं फिर वही हाँ ये बड़ा अच्छा होगा, इस तरह वर्ल्ड कप पे बाकी टीम्स बहुत प्रेशर पड़ेगा, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ चले हम एशिया कप को थोड़ा बहुत माफ कर देंगे, वर्ल्ड कप को नहीं माफ करना, ये बात नहीं करनी, अभी ये बात नहीं करनी, ऐसे हम कहते थे एशिया कप की माफी हो जाती है बाद वर्ल्ड कप भी लगे जाते हैं। मैं यकीन करें मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग गट्स फीलिंग आ रही है, हर किसी को आ रही, शेख अख्तर साहब को भी आ रही है, फाइनल खेल रहे हैं, फाइनल इंडिया में जीत रहे हैं, फाइनल मुझे जरूर लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हम जरूर खेलेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस शोएब अख्तर जैसा हो जितना हमेशा कॉन्फिडेंस। मैं चाहता हूँ उस जैसा ना सही, कम अज कम उस जैसा गेटअप बना ले भाई, बॉल लंबे लंबे हो, उड़ते बॉल आए, बाकी एक जमाना था पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का टेरर होता था बड़ा, ये तो है। अच्छा मैं ग्रुप्स देख रहा था जो कि मैं पता ही था, पाकिस्तान इंडिया नेपाल, दूसरी तरफ लंका बांग्लादेश अफगानिस्तान, अब ये बड़े तेज है, इन्होंने करवाना था पैसा कमाना होता है, जान बूझ के कहता है छोटी टीम को इनके ग्रुप में डालते ताकि सुपर फोर में इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आप देखे ना दूसरे ग्रुप को, अगर आप देखें बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका, तीनों बड़ी टीम है, तीनों खतरनाक है, पिछली दफा बांग्लादेश निकला था बाहर, इस दफा देखते कौन सी टीम, दूसरा ग्रुप बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक, हर मैच डू एंड डाई है, वो पहला मैच जो हारते हैं वो बाहर हो जाता होता है, उसके लिए अगला क्वालिफाई करना बड़ा औखा है, लेकिन श्रीलंका में दांत देनी होगी, श्रीलंका को अफगानिस्तान ने हराया था, उसके बाद श्रीलंका में हमने क्रिटिसाइज किया था पिछले एशिया कप में, लेकिन उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि उन्होंने क्वालिफाई किया, नागिन डांस किया बांग्लादेश में निकाल के, सुपर फोर में आए, इंडिया को हरा देना था उन्होंने, लेकिन जिसको कहते हैं ना बड़ा एंड टाइम के ऊपर आके, पाकिस्तान को भी लंका ने हराया, फिर फाइनल भी हराया पाकिस्तान को, लंका ने अपसेट किया, लेकिन वर्ल्ड कप में आके लंका फ्लॉप हो गया था ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान लंका के अंदर ही एशिया कप मॉडल माना है इंडिया, क्योंकि उसमें उसका फायदा है, तुम्हें आना पड़ेगा इंडिया, इंडिया तुम्हारे इधर नहीं जाएगी, इंडिया तो जाएगी श्रीलंका में, तो क्या फायदा हुआ, कहां से जीत गए भाई तुम, ये मुझे कोई बंदा लॉजिक के साथ बता दो कि लॉजिक के साथ, ठीक है गाली गलौज तो मैं नहीं करूंगा, कितने भी गालियां दे दो, बट यार लॉजिक के साथ अगर कोई बंदा हो जो मुझे कमेंट में समझा सके कि भाई पीसीबी की जीत कैसे हुई, तो मैं उसके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं कि यार कहीं से भी पीसीबी की जीत नहीं हुई है, ठीक है। चार मैचेस होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम यार जीत गए, इंडिया जो चाहता था कि एशिया कप हो, इंडिया ने कभी मना नहीं किया कि एशिया कप ना हो, इंडिया हमेशा चाहता था कि एशिया कप हो और एशिया कप हो रहा है, इंडिया चाहता था कि इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा वो भी हो रहा है, इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान आए हमारे घर में वो भी हो रहा है, इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान हमारे घर में आके अहमदाबाद में खेले वो भी हो रहा है, तो भाई तुम जीते कहाँ से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक बार मेरे को ये बात बता दो कहाँ से जीत गए। खैर पाकिस्तान के लोग और कुछ इंडिया के भी स्पोर्ट्स एंकर अभी मैं देख रहा हूँ यार टीवी पे बैठ के लंबी लंबी हाँ करें, मतलब चार मैच होने से लंबी लंबी ये हाँ करें कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, तो यार कहीं ना कहीं बीसीसीआई को झुकना पड़ गया भाई, घंटा झुकना पड़ गया, इंडिया में थोड़ी था, इंडिया की तो भारी नहीं थी एशिया कप कंडक्ट कराने की, तो इंडिया को तो कुछ घाटा नहीं हुआ, उल्टा श्रीलंका का फायदा हुआ और इंडिया की बातें रख ली गई, तो मुझे नहीं लगता यार, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ उन बंदों से जो कह रहे हैं कि यार ये पीसीबी की जीत और बीसीसीआई की हार है, अगर इस पे भी अगर बीसीसीआई अड़ जाता ना कि सारे के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे तो भी ये बात माननी पड़ती सबको,
ठीक है, खैर इंडिया और बीसीसीआई इतनी भी बड़ी ब्रूटल नहीं है कि चलो चार मैचेस करवा लो यार, तुम्हारी बारी थी एशिया कप की, तो चार मैचेस नेपाल वर्सेस भूटान वर्सेस श्रीलंका वर्सेस करवा लो अपने इधर चार मैचेस, ठीक है। तो कहीं से भी है पीसीबी की जीतनी बीसीसीआई के हाल में। खैर जुड़े रहे आप लोग क्रिकेट तक पे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।